दिसंबर यानी आज का दिन एक ही परिवार के लिए बेहद दर्दनाक था। एक बस और एक कार की जबरदस्त भिड़ंत में एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सहारनपुर की 8 सुबह करीब 10:10 की बताई जा रही है, जहां पर देहरादून से सहारनपुर की तरफ आ रही वेगनार कार जो ओवरटेक करते समय मुजफ्फरनगर से देहरादून जा रही बस की मोहन और गणेशपुर के बीच हाईवे पर आमने सामने टक्कर हो जाने से मौके पर ही वेगनार कार में सवार 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। थाना बिहरीगढ़ पुलिस द्वारा 3 मृतकों के शवों का नियमानुसार पंचायतनामा किया गया तथा घायलों को CHC फतेहपुर से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं बस को मौके पर ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जी मैं डॉक्टर BD शर्मा, ये हादसा हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है? जी ये 11:20 के करीब कुछ लोग यहाँ पर घायल अवस्था में लाए गए। एक विष्णु 24 साल मेल, दूसरा दीक्षांत 20 साल, सनोफ प्रवीण निवासी मेहूवाला कलेमन टाउन देहरादून, और ये 3 लोग इसमें मृतक और थे। प्रदीप चौहान 42 साल मेल, मंजू चौहान 40 साल फीमेल, शिल्पी 19 साल फीमेल। जी घायल जी घायल कितने लोग हैं इसमें? घायल हैं इसमें 2 और ये 3 मृतक हैं इसमें। अभी स्थिति कैसे है घायलों की? ये सर सीरियस हैं, सर्जन द्वारा ये रेफर कर दिए गए हैं हारे सेंटर के लिए। इनके द्वारा लाया गया था, ये EMT लेके आए थे। आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।